हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शादियों वाले शाही चिकन कौरमे की रेसिपी। इसकी ग्रेवी इतनी मजे की होती है कि आप लोग अपने घरों में शाही चिकन कौरमे बनाने की हर रोज फरमाइश करेंगे। तो देख लेते हैं इसको बनाना कैसा है। शाही चिकन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज को फाइन चॉप कर लेंगे। फिर इसको ऑयल में डालकर लाइट गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। जैसे ही प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होगी तब गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे। ऐसा करने से जो हमारी प्याज है वो जलेगी नहीं और इस पर बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और फौरन ही प्याज को निकाल लेंगे। थोड़ी प्याज पैन में ही रहने देंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हम 1 kg चिकन डाल देंगे। ये बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो बोन के साथ भी चिकन ले सकते हैं। अब इसमें हम खड़े मसाले जैसे 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 2 से 3 हरी इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री और ये 2 तेज पत्ता, इनको डाल देंगे। और साथ ही 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। चिकन को हम हल्के हाथों से ही चलाएंगे वरना जो हमारे चिकन के पीस हैं वो कड़छी लगने की वजह से टूट जाएंगे। अब इसमें हम पाउडर मसाले जैसे 2 से 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इनको हम मिक्स करेंगे। और इसको थोड़ा पानी डालकर मसाला भुनने तक ढककर पकाएंगे। जितना हमारा मसाला फ्राई हो रहा है इसी बीच हम एक खास पेस्ट बना लेंगे जो शाही चिकन कौरमे की जान है। उसके लिए हम मिक्सर जार लेंगे। इसमें हम 10 से 12 काजू, 1 टेबलस्पून गोले का बारूदा या आप भीगा हुआ गोला भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून खसखस लेंगे। इसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून गर्म पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसको रख देंगे साइड में। और अब ये प्याज जो हमने फ्राई की थी ये भी ठंडी हो गई है और क्रिस्पी भी हो गई है। अब इनको हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और साथ ही 1/2 कप दही डालकर पेस्ट बना लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे प्याज और दही का पेस्ट बन गया है। अब इसको भी रख देंगे साइड में। अब चिकन को चेक करते हैं। चिकन को पकते हुए करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा मसाला भुनकर तैयार हो गया है। ऑयल भी सरफेस पे दिखाई देने लगा है। अब इसी स्टेज में हम काजू का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही बाउल को थोड़ा खंगाल कर पानी भी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे।
और साथ ही ब्राउन प्याज और दही का पेस्ट भी डाल देंगे। इनको मिक्स करेंगे हम। और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मैंने जो मिक्सर का जार था उसको ही कंगाल कर डाल दिया है। जितनी आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल देंगे। हमने यहाँ टोटल 1 कप पानी डाला है और अब 2 हरी मिर्चों को काट कर डाल देंगे और इसको ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब कर देंगे गैस की फ्लेम को ऑफ। और ये हमारा शाही चिकन कोरमा बनकर तैयार है। इतना लजीज, इतना टेस्टी बनकर ये तैयार होता है और साथ ही इसको बनाना भी कितना आसान है। तो आप भी मेरी शाही चिकन कोरमे की रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना कमेंट में मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।